हाफिज साहब की निगरानी में ही उम्रे की शहादत हासिल कीजिए। हज उम्रे के लिए सबसे भरोसेमंद नाम यम्मा नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे पैकेज। इस काफिले की रवानगी 5 अक्टूबर 2022 को होगी। मजीद तफसीलात के लिए इन फोन नंबर पर रब्त किया जा सकता है 9886928326। नाज़रीन आदाब एनटीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जनरल सेकुलर के जिला सदर यमवीर पक्षी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रायचूर रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल पर इल्ज़ाम आयद किया कि 40% कमीशन के लिए उन्होंने जो काम म्यूनसिपल्टी के सुपुर्द थे उसको PWD में ट्रांसफ़र करा दिया। इन्होंने कहा कि नगरोत्थान स्कीम के तहत जो काम म्यूनसिपल्टी के जरिए किए जाने थे उसको उन्होंने अमृत योजना का काम वगैरह को इन्होंने PWD को ट्रांसफ़र किया। इसकी वजह सिर्फ इन्होंने वीरपक्षी ने कहा कि इसकी वजह सिवाय इसके और क्या हो सकती है कि वो 40% कमीशन के लिए इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी रुकने बल्दिया इस सिलसिले में कोई सवाल करने भी तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि रुकन असेंबली को चाहिए कि रायचूर की तरक्की के लिए काम करे, ना कि 40% के लिए काम करे। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेकुलर के सीनियर कायद यूसुफ खान के अलावा जनरल सेकुलर के मुतवक्को MLA उम्मीदवार रमन गौड़ा और स्पोक पर्सन अकबर नागुंडी और दीगर भी मौजूद थे। ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ತದನಂತರ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಮೊರಂ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಮೊರಂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊರಂ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜಮಾತಾ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮೊರಂ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 15th August ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೆರವಾಗ್ತದೋ, ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು